हम लोगों को आज बोर में कुछ गुप्त सूचना मिली है कि कोई छोटे गाड़ी में फोर व्हीलर में गांजा कुछ लोग लेके जा रहे हैं करके, हम लोग तुरंत अपना पार्टी जो पेट्रोलिंग पार्टी है प्लस इसके अलावा थाने प्रभारी कोडरमा को तुरंत निर्देश दिए हैं। ऐसे के नेतृत्व में हम लोग गाड़ी चेकिंग लगवाए थे, तो उसी में एक भरना हुंडई गाड़ी है, उसमें विशाखापट्टनम से लोड होते हुए पटना जाने वाला जा रही थी गाड़ी, उसमें करीब 123 पैकेट, एक एक पैकेट जो है 2 किलोग्राम का वेट वजन का है, तो टोटल 240 किलोग्राम का जो है अच्छा रिफाइंड गंजा हम लोग को बरामदी हुई है। और उसमें 2 आदमी थे जो मुन्ना राय और संतोष दास, इसके नाम पे पहचाना जाते हैं, ये दोनों जो है वैशाली जिला का हैं और ये लोग परसों रात में विशाखापट्टनम से लोड किए और ये आज पटना जाने वाले थे। वहाँ पर एक जितेंद्र राय एक आदमी है, तो उनके द्वारा इनको गाड़ी मिला था विशाखापट्टनम जाने के लिए और ये जाके वहाँ पर उनको गाड़ी सौंप देते। उसके बाद का कार्रवाई कैसे हुआ है ये आप लोग अनुसंधान में हम लोग अपना भी पूछताछ में और अनुसंधान में हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग तुरंत NDPS एक्ट में जो दारा हैं उसमें दारा लगा के हम लोग जो ड्राइवर और गाड़ी मालिक और जो लोड करने वाले हैं और जो लोड को जो है रिसीव करने वाले हैं ये सभी को हम लोग इसमें अभी बनाकर अग्रत अनुसंधान कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कोडरमा पुलिस के द्वारा ये अच्छी पहल है और अच्छी कार्रवाई हुई हम लोग की तरफ से, बड़े मात्रा में ये जो गांजा पकड़ा गया है। सर कितने का गांजा हो? ये मोटा मोटी करीब 20 लाख से 25 लाख का बिक हो सकता है, ये रॉ मटेरियल है इसका और ये इसमें और भी कुछ इसमें प्रोसेस करने पे और महंगा बिक सकता है।